नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। जी हाँ, मेरा गांव मेरा देश ये हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसका मकसद ये है कि गांव के लोगों की क्या समस्या है, गांव से जुड़े क्या मुद्दे हैं उन तक उनको उठाया जाए और जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने उन्हें लाया जाए। इसीलिए हर रोजाना हम ये कार्यक्रम रखते हैं ताकि आम जनता जिसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, जनता के जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उस आवाज़ को हम उठाएं और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम रोजाना करते हैं। हर दिन अलग अलग विधानसभाओं का हम जायजा लेते हैं कि वहां पर कितने विधानसभा में किस तरह से काम हुआ है। तो इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की मेरठ की हम दक्षिण विधानसभा के बारे में बात करेंगे। वहां के क्या क्या मुद्दे हैं, जनता कितनी खुश है या फिर परेशान है, कितना काम वहां पर हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि मेरठ में दक्षिण विधानसभा में आपको बता दें कि मुद्दे तमाम हैं लेकिन जनता के सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों की आवाज़ जो है वो कहीं दब जाती है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव के समय बड़े बड़े नेता तो पहुंच जाते हैं इलाकों में, क्षेत्रों में दौरा करने के लिए और अपना संबोधन भी करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आम जनता जो वहाँ पर रहती है, आम जनता के क्या कुछ मुद्दे होते हैं उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं होता। सिर्फ अपनी कही जाती है लेकिन जनता की जो है वो सुनी नहीं जाती। इसीलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने यह बीड़ा उठाया है कि हम मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम रखेंगे जिसमें हम उन्हीं नेताओं को, उन्हीं जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि आपके क्षेत्र के, आपके विधानसभा के किस तरह के मुद्दे हैं और कितनी परेशान आपकी जनता है। इसीलिए यही हमारा मकसद है ताकि जो असल मुद्दे होने चाहिए, जो असल जनता परेशान है, उन्हें अब सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए 70 साल बीत गए आज़ादी के बाद, अब भी तमाम जगह ऐसी हैं, तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलती। हैरान करने वाली बात, एक बहुत छोटी सी सोचने वाली बात है कि जहां भारत इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, इतना ज़्यादा आधुनिक हो चुका है कि चांद पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में तमाम गाँव ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों को उनकी सुविधाएँ तक नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए ये दक्षिण विधानसभा सीट की हम मेरठ की बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इस विधानसभा का क्या हाल है और किस तरह से बरसात के मौसम में क्या हाल हो जाता है, वो तस्वीरें अपने आप बयान कर रही हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर सड़कों को लेकर तो तमाम मुद्दे हैं ही, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो वो भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। स्कूलों की बात की जाए वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है और किस तरह की परेशानी होती होगी वो तो ये तस्वीरें ही हमें दिखा रही है। इसीलिए देखिए आज हम दक्षिण विधानसभा सीट की बात करेंगे, यहाँ की जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी क्योंकि लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन्स पर नंबर भी फ्लैश करेंगे जहाँ पर आपको कोई भी परेशानी है मेरठ से, दक्षिण विधानसभा सीट से, जो भी जनता है नंबर उनके लिए फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से भी अभी जुड़ेंगे नेता और समाजवादी पार्टी से भी जुड़ेंगे, तो सीधा आपका जो भी सवाल है वो आप उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये मंच हमने आपके लिए दिया है और आपके लिए ही ये मंच तैयार किया है ताकि आप सीधा अपने प्रतिनिधि से सवाल कर सके। तो देखिए बीजेपी से अश्वनी कांबोज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और सपा से समीम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अश्वनी जी और समीम जी। अश्वनी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि सत्ता में आप हैं, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितना काम किया, क्या आपके दक्षिण विधानसभा के लोग जो हैं वो खुश हैं? अश्वनी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शमीम जी आपको मिल रही है मेरी ऑडियो क्या? शायद अश्वनी जी को तो आवाज ही नहीं आ रही है, सवालों का तो जवाब पता नहीं। अश्वनी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। अश्वनी जी देखिए सीधा सवाल है, आप बताइए कि मेरठ में दक्षिण विधानसभा सीट पर अभी तक कितना काम हुआ है और बिल्कुल सच सच बताइएगा। देखिए अभी तक कुल मिलाकर के जो 4.5 साल का लेखा जोखा है उसमें 40 काम कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अलावा
18 प्रस्तावित में है जिनका काम चल रहा है जी। जनता खुश है अश्वनी जी वहां पर? जनता बिल्कुल खुश है, जनता चौकस नहीं होगी। जो जो वादे करके आप आए थे वो वादे पूरे किए हैं? बिल्कुल हुए हैं। चलिए वो तो पता चलेगा भी, क्योंकि हमारे साथ आम जनता भी जुड़ेगी फोन पर, क्या कुछ उनकी समस्याएं वो बताएंगे। लेकिन अश्वनी जी आप तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन्स पर, वो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ना तो सड़कों का ढंग से निर्माण हो पाया है, ना ही बरसात के मौसम में निकासी हो पाती है, और आप कह रहे हैं बहुत काम आपने किया है। विकास कार्य गिनवाने शुरू कर दिया जी? विकास कार्य गिनवाने शुरू करूं? गिनवाइए गिनवाइए। पहला काम हुआ था विकास प्राधिकरण के अंतर्गत तीन योजना थी, लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी और गंगानगर जी। तीनों में किसानों को बढ़े हुए प्रति कर की राशि के चेक वितरित हुए थे। गगोल तीर्थ में 89 लाख की धनराशि स्वीकृत होकर काम हुआ। पर्यटन विभाग ने जागृति विहार मंशा देवी रोड पे सौंदर्यकरण कराया 50,47,000 रुपए जी। हापुड़ रोड राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अतिरिक्त कक्षा 10 कक्षा का निर्माण कार्य 96,70,000 की राशि स्वीकृत हुई, काम पूरा हो चुका जी। अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था वहाँ है। खेड़ा बलरामपुर में 17 लाख की लागत से पंचायत घर का निर्माण हुआ जी। ग्राम भूमि में पंचायत घर के निर्माण में 17.46 लाख की धनराशि से काम निर्माण हो चुका है जी। ओपल हेडा का पंचायत घर का निर्माण हुआ 17.46 लाख। गावड़ी में पंचायत घर के निर्माण हुआ, अपुंडा में हुआ, गगोल में आपकी एमकेएसपी स्तर का निर्माण 4 दीवारी देख पूरा हुआ, मोहनपुर में हुआ, मैरोली में आपका। ठीक है अश्वनी जी ठीक है, आप ये बातें तो गिनवा रहे हैं, आप ये विकास के काम तो गिनवा रहे हैं, ये किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी एक बार फिर से, जरा पीसीआर आप वो तस्वीरें दिखाइए जो शुरुआत में हमने दिखाई थी कि किस तरह से सड़कों का हाल है। और अश्वनी जी आपने गंगानगर से लेकर मंशा देवी तक का सारी को आपको समझना पड़ेगा जी। ठीक है, कुछ ना कुछ काम बराबर चलते हैं। ठीक है, 5 साल कुछ ना कुछ काम चलते हैं, लेकिन जो असल काम है वो तो करिए आप। देखिए अश्वनी जी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये तस्वीरें भी देख लीजिए और फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि कितना विकास आपने किया है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए नूननगर मार्ग का जो निर्माण लंबित है उसके बारे में क्या कहेंगे अगर आपने खूब विकास किया है तो? कौन से वाला नूननगर निर्माण जो लंबित है काफी समय से, उसके बारे में भी बता दीजिए। उस पर भी चल रहा है काम। कब तक चलेगा? ऐसे तो चलता ही रहेगा, पूरे नहीं हो सकते। और निसारी रोड की जो दुर्दशा है वो भी आपको बखूबी पता होगा। नहीं देखो, कई काम अगर कोरोना काल को तो मैं नहीं कहूंगा, उस 2 साल में काम पे फर्क पड़ा है, इसे मैं नहीं कहूंगा कि एकदम काम पूरा हो जाएगा। कुछ काम लेट भी हुए हैं, उधर भी मैं नहीं कहूंगा कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष है, तो प्रकृति के उसमें है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि कोई काम बंद हुआ है। काम चल रहे और वो समय पर पूरे भी होंगे। समय और कितना चाहिए अश्वनी जी, अगर 5 साल में नहीं कर पाए और 22 में अगर आपके हाथ से सत्ता निकल गई तो फिर समय मिलेगा ही नहीं आपको। तो देखिए ना, कोरोना काल में कितने से समय आप बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है, देखिए कोरोना की बात तो ठीक है, कोरोना कहते हैं, अब आप क्या पूरा समय निकाल देंगे? जब भी किसी बीजेपी के नेता से बात होती है कोरोना का हवाला वो देने लगते हैं। चलिए ठीक है, आपसे तो बात करूंगी। यहाँ पर सपा से भी समीम चौधरी लगातार देखिए हमारे साथ बने हुए हैं। समीम जी आपने सुना होगा कि किस तरह से अश्वनी जी गिना रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर विकास किया है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो अभी भी छूट रहे हैं जी। हाँ, मैं इनकी पार्टी का एक बड़ी बहुत बेहतर से कार्यशैली रही है विकास कार्यों के नाम पर। इनसे पूछा जाए कि यूपी के किसी जिले का विकास कार्य दिखाओ, ये फोटो दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना की, ये बात प्रमाणित है और जग जाहिर है मीडिया पर भी। ऐसे मेरे यहाँ भी अश्विनी भाई ने जो काम बताया है, इन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण किसी योजना के तहत काम हुआ दक्षिण विधानसभा में, और नाम गिनवा रहा है गंगानगर का।
मैं इन सब जानना चाहता हूँ, गंगानगर योजना में कौन से दक्षिण विधानसभा। दूसरी चीज, अभी उन्होंने बात करी कि आपने सवाल किया नूरनगर का निर्माण, और जहां पर काम होना चाहिए वहां की अश्वनी जी ने एक बात नहीं की है। अश्वनी जी, अब आप ही बता दीजिए, अगर गलत बोला हो शमीम चौधरी ने या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप बता दीजिए। जो लिसारी रोड की दुर्दशा है वो किस तरह से है वो आपको बखूबी पता होगी। जो नूनना घर का निर्माण पिछले काफी समय से लंबित है वो भी आपको पता होगा, उस पर भी बात कर लीजिए। कुंडा मेन रोड पे आ रहे हैं, कैंप से लेकर के सड़क निर्माण पूरा हुआ है, हवाई पट्टी काशी से सड़क निर्माण पूरा हुआ है, बिजलीपुरा बाईपास पे अंडर रेलवे पास ग्राम बजोट तक सड़क निर्माण हुआ है। ग्राम बजोट की बात मत करिए अश्वनी जी, वहाँ की क्या हालत है बखूबी पता है। वहाँ की क्या हालत है वो पता है। जो आप बात कर रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग की, रेलवे क्रॉसिंग कितने सालों से नहीं बनी है, वहां पर सड़कें कितना लंबा जाम लग जाता है वहां पर, आपको पता होगा शायद अगर आप उस रास्ते का इस्तेमाल करते होंगे। काम चल रहा है, आप भी देख रहे हैं काम चल रहा है वहां बराबर। अश्वनी जी, मुझे तो कहीं काम नहीं दिखता वहां पे, कहां पे काम चल रहा है वहां पे? वहां काम चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसे तो अश्वनी जी कितनी और बार काम हो चुका है, लेकिन जो एक रिजल्ट निकलना चाहिए, काम हो गया एक बार ऐसा भी काम करा दीजिए कि 4-5 साल नहीं कराना पड़े। हर साल काम होता है वहां पे तो कुछ ना कुछ, उसके बाद भी जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, लोगों को वहां पर 2-4 होना पड़ता है, लोग जा ही नहीं पाते हैं। 5 साल तो इनकी भी सरकार रही है, ठीक है, अपने विकास कार्य वो तो अश्वनी जी उनसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन आप अभी बचिए मत ना कि 5 साल तो उनकी भी सरकार रही है, अभी तो आपकी सरकार है। मैं तो पूरा लेखा जोखा है, ये कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, एक दिन में कोई काम पूरा नहीं होता। 5 साल मतलब कम पड़ गए आपको, 5 साल कम पड़ गए। आप किसी भी काम को पूरा होने में समय लगता है, काम निश्चित समय से पूरा होने में समय लगता है, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए कि काम होता हुआ भी तो दिखना चाहिए अश्वनी जी। ठीक है समीर जी, कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हो रहा, जहां काम बंद हो, मुझे आप वो काम बताओ। अभी तो मैंने आपको इतने काम गिनवा दिए, बिजली बम्बा बाईपास की आप बात कर रहे थे, वहां की क्या हालत है वो पता है हर किसी को, बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं कि कैसी वहां पर कितना जाम जैसी समस्या हो जाती है। अगर एक बार वहां से ट्रेन गुजरती है, फाटक बंद होता है, तो आधे घंटे का जाम वहां पर लग जाता है, और आप कह रहे हैं वहां पर काम कराया गया है। जाम तो जब रेलवे का काम चल रहा है, आपका मेट्रो का काम चल रहा है, तो जाम नहीं, तो नहीं, 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 मैं शहर के अंदर की बात नहीं कर रही अश्वनी जी, मैं शहर के अंदर की बात नहीं कर रही, मैं ग्राम बजोट के पास जो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। सर वहाँ जो निरंतर काम चल रहा है ना, काम का पूरा होगा निश्चित रहिए ना, नहीं हो या कोई ऐसा है काम नहीं हो रहा हो तो आप मुझे वो बताओ, काम तो चल रहा है। काम तो अश्वनी जी बहुत सालों से हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, समीम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है शमीम जी, आपके पास मैं आऊंगी। यहाँ पर एक कॉलर भी दक्षिण विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम हम्मा चौहान है। आप ये बताइए, आप क्या खुश है कि दक्षिण विधानसभा सीट में विकास हुआ है या फिर समस्या है वहां पर? देखिए यहाँ पर बीजेपी से भी बैठे हुए हैं अश्वनी जी, और समाजवादी पार्टी से भी समीम चौधरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी आपकी परेशानी है सीधा आप सवाल कर सकते हैं इनसे। मैम सीधा दक्षिण विधानसभा का जितना भी हम देखते हैं, लगातार अभी एक ट्वीट भी वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर एक जो बीजेपी के द्वारा अपना जो जारी किया गया था विकास का, उस मॉडल का भी बिल्कुल खुलकर आया कि एक कुछ घोटाला 200 करोड़ की सड़क दिखाई गई थी इनके उसमें, और उसका पैसा भी बाकायदा विधायक के द्वारा विधायक निधि में शायद आ गया था, और जब अब उसका ट्वीट लगातार जारी हुआ तो पता लगेगा आज तक सड़क ही नहीं बनी है। अश्वनी जी अब आप सुनिएगा, फिर आपसे पूछूंगी, आदमी का निकलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। जी जी बोलिए बोलिए, आप और क्या समस्या है आपको? जो गंदगी की वजह से आदमी का निकलना दुश्वार हो रहा, बाकी दक्षिण विधानसभा में कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जो पूरी मतलब गड्ढे में बनी हुई है, और वहां को निकलने का रास्ता क्या
जो अपना आदमी व्हीकल भी लेकर चलता है वो भी साथ टूट ना जाए इस तरह की। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए ठीक है, आपकी बात, आपकी बात सुन ली। यहाँ पर बीजेपी से बैठे हुए हैं अश्वनी जी, जरा उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अश्वनी जी, आपने सुना होगा कि क्या समस्या, बताइए जरा जवाब दे दीजिए। अब आप कह रहे तो इनका जो आपका जो माइक है इनकी तरफ बहुत गूंज रहा है, बहुत आवाज क्लियर नहीं आ रही है इनकी, तो थोड़ा सा उसका। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि सड़कों की हालत बहुत खराब है और आप कह रहे हैं कि खूब विकास किया है, परेशान लोग रहते हैं। आप एक चीज बताइए, आपको मेट्रो का काम भी चल रहा है, आप नहीं नहीं ठीक है, देखिए मेट्रो का काम चल रहा है वो पूरे मेरठ को पता है, पूरे मेरठ को पता है मेट्रो का काम चल रहा है, उस बात की तो कोई शिकायत नहीं कर रहा। सड़क अगर कहीं टूटेगी तो रिपेयर भी हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम कोई काम कम्प्लीट होकर के पूरा हो जाएगा। बच क्यों रहे हैं हर सवालों से, आप सवालों से बच क्यों रहे हैं? अगर इसी तरह बचेंगे ना तो 2022 में बहुत बड़ा वो नुकसान होगा आपको। 22 तो पूर्ण रूप से जीत के आ रहे, चिंता ना करिए। इसी तरह से जीतेंगे कि विकास कुछ कराया नहीं और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जीत जाएंगे। 22 to 4% निकलेगा और 400 सीटों से जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। काम कुछ कराएंगे नहीं और जीत जाएंगे, इतना आपको वो है कॉन्फिडेंस? 5 साल सपा की सरकार रही है, ये अपने विकास कार्य गिनवा देना। चलिए ठीक है समीम जी, समीम जी चलिए आप बताइए। आपने बताया कि नून नगर रोड का काम चल रहा है, 4.5 अभी भी लास्ट टेंडर आपका 2 साल पहले हुआ था, 1,00,000-1,30,00,000 रुपए का कैंसिल हो चुका, तीसरी बार उसे करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी पिछले 1.5 साल से इतनी धीमी गति से सिर्फ नाले का निर्माण भी शुरू हुआ है, अभी बना नहीं है, वो भी 2 दिन होता है, 10 दिन काम रुक रहा है, ठेकेदार कहता है पैसा नहीं है। जी आपने आपने कितना विकास कराया था दक्षिण विकास का, आप ये बताइए जवाब की सरकार में आपने कितना विकास करा दिया था? अभी बताइए आपके माननीय विधायक जी, नहीं नहीं आपके माननीय विधायक नून नगर पुलिया पर आखिरी बार कब गए थे? आप मुझे बताएं आपके जनप्रतिनिधि भाजपा विधायक नून नगर पुलिया पर आखिरी बार कब गए थे? अश्वनी जी रुक जाइए, अश्वनी जी आप एक मिनट रुक जाइए, समीम जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, एक मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सही कराने की कोशिश करेंगे। अश्वनी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए मेरठ से सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, मैं जानना चाहूंगी आप ये बताइए कि दक्षिण विधानसभा में वो कितनी बार गए हैं, जनता से कितनी बार मिले वो? जगह और समय आप तय करो, मैं लेके आऊंगा, आप कभी भी आ जाओ, कल परसों थोड़ा करा देना। चलिए विधायक का ही बता दीजिए, सुमेंद्र सिंह तोमर कितने बार गए हैं? अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो मुद्दे ही आपको क्या बताऊंगे, और आप कह रहे हैं कि 2022 में हम जीतेंगे। जब आप कहोगे तो आगे रहे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां धरने दिए हैं के सामने। अच्छा क्या है दूसरे के विकास कार्यों को अपने अरे ठीक है समीम जी, समीम जी, समीम जी अगर आपने इतना ही विकास किया होता, अगर इतना ही आपने विकास किया था तो 2017 में क्यों नहीं आए फिर? आप ये कह रहे हो ना कि नहीं आए वहाँ, आप जगह समय निर्धारित करो, मैं लेके आता हूँ। नहीं चलो आप मेरे कहने से बुला भी लेना, लेकिन मैं पूछूंगा कि इसमें 4.5 साल में कितनी बार कम आप नहीं पाते हैं? समीम जी, समीम जी, समीम जी, समीम जी रुक जाइए, समीम जी, समीम जी, समीम जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी और समीम जी सुनिए, ऐसी कई बातों को जाएगी, रुक जाइए जरा, अरे एक एक करके बात रखिए ना अपनी, समीम जी, समीम जी, समीम जी, वोट नहीं मिलेगी आपको, जमीन पर काम क्या होगा आप मुझे बता दें, अभी आपने एक्सप्रेस वे बनाया है
आप ऑडियो गिराइए समीम जी का। समीम जी देखिए, यहाँ कोई डिबेट नहीं चल रही है, यहाँ कोई दूसरे चैनल की तरह डिबेट नहीं चल रही है, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आप इस तरह से आपस में लड़ेंगे तो वही होगा कि जनता की बात हो ही नहीं पाएगी। जनता की आप कह रहे हो भ्रष्टाचार गुणवत्ता गुणवत्ता एकदम मुझे आपकी गुणवत्ता बता रहे हो कितनी बार आपकी जानकारी मंगवा के काशी प्रोटेस्ट में कितनी बार। समीप जी जरा सुन लीजिए, रुक जाइए, सुन लीजिए जरा। अगर आप इस तरह से लड़ेंगे कि बीजेपी ने ये किया या ये नहीं किया, हमने ये किया, यहाँ पे वो डिबेट नहीं चल रही है, यहाँ पे हम जनता की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम नंबर भी बार बार फ्लैश कर रहे हैं कि जो लोग हैं दक्षिण विधानसभा सीट से, दक्षिण विधानसभा के, वो हमें फोन कर सके और अपनी बातें बता सके और आपसे सवाल कर सके। लेकिन आप तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो जनता की बात कहाँ करेंगे आप? इस तरह से बात नहीं होगी। अश्वनी जी आपसे पूछ रही थी मैं, आप ये बताइए विधायक हो सुमेंद्र सिंह तोमर या फिर राजेंद्र अग्रवाल की हम बात कर लें, कितनी बार वो दक्षिण विधानसभा पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कितनी बार की उन्होंने? जहां जहां भी पब्लिक ने उन्हें बुलाया है वो वहां पहुंचते हैं। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, क्या आप बताए पब्लिक बुलाएगी क्या उन्हें? उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो जाएं वो देखें जनता के बीच में? ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में नहीं है वो, ये गलत आरोप है। मैं इसका खंडन कर रहा हूं। देखिए मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने आपसे बस पूछा कितनी बार वो गए हैं, आप ये बताइए बस। यहाँ पर आरोप नहीं लगा, मैं तो आपको खुल के कह रहा हूँ बराबर जनता के बीच में है बराबर। एक तो एक दिन एक समय आप मेरे को बताओगे नहीं है, ठीक है? अगर जनता अगर कहीं जा रहे अगर कहीं वो नहीं पहुंचते तो हम जिम्मेदारी पे हम पहुंचते हैं, आप हमें बताइए कहाँ ना हुआ है। नहीं दक्षिण विधानसभा का क्या हाल है, किस तरह से सड़कें खराब है, वो हाल नहीं दिखता क्या फिर उन्हें? हाल बताइए उन्हें, हाल नहीं दिखता क्या? देखो पहली बार और आखिरी बार आप किसी को ऐसे नहीं बता सकते कि पहली बार कौन कब आया था, आखिरी बार कब आया था। आप मुझे बताओ आखिरी बार कौन सा प्लेयर पर आपने दौर कब किया, वहां के हालात में आपने स्वीकार किया ना कि आप जाते हो? आप मुझे बताओ आखिरी बार कब गए थे? पूरे दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्गति है, सिर्फ इसलिए कि दलित पिछड़ों का क्षेत्र है वो। आखिरी बार आपने खड़ा होकर तीन चार बार जाता है, आपने कहा कि आप जाते हो अगर आपके नेता नहीं जाते हैं, मैंने कहा कि प्लेयर पर आखिरी बार कब खड़े हुए थे आप? मैं कह रहा हूँ ठीक है। अश्वनी जी और शमीम जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। अपना नाम बताइए सबसे पहले। देखिए मैं राहुल बात कर रहा हूँ। राहुल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अच्छा डिबेट है। मेरा सवाल इन दोनों ही पार्टी के नेताओं से है जी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पर ये बात हो रही है, जो नूर नगर पूरा जो रोड है खाड़ी रोड और वहाँ तक बिजली बम्बा बाईपास तक बदहाल है, वो आज से नहीं है, पिछले काफी वर्षों से है, दसियों सालों से है। लेकिन 10 सालों की बात करने जाए तो पहले सत्ता में समाजवादी पार्टी रही और अब भाजपा है। दोनों ही पार्टियों ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, अब दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अब दोनों से पूछिए कि दोनों ने अब तक इस मुद्दे को लेकर के क्या किया है, क्या एक दूसरे ब्लेम करते रहेंगे, जनता के समस्या का निवारण करेंगे? यहाँ से निकलना दुभर है। और जहाँ ये समीम चौधरी रहते हैं, ये हीरा गार्डन रहते हैं, इनके सामने ही सड़क टूटी हुई है। इनसे पूछिएगा कि सत्ता में जब सरकार हो सकती है लोग, तो इन्होंने अपने ही इलाकों का निर्माण नहीं किया, दूसरों कैसे करेंगे? और दूसरा इनसे भाजपा वालों से पूछेगा कि इनके विधायक सुमेंद्र तोमर आखिरी बार कब पीछे गए विधानसभा? हमने तो देखा ही नहीं है, जवाब ही नहीं है ना, क्योंकि वो जाते ही नहीं है। राहुल जी वो जाते ही नहीं है, इसीलिए जवाब ही नहीं है, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। अश्विनी जी आपका भी, शमीम जी राहुल आपका भी। तो ऐसे में मेरा गांव मेरा देश ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है ताकि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो बात है, उनको उठाया जा सके और अपने विधायकों से, अपने सांसदों से सीधे तौर पर वो सवाल कर सके। क्योंकि जिस तरह से आपने अभी देखा कि एक दूसरे पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन काम इससे नहीं चलेगा, काम जनता के सुनने से ही चलेगा। इसीलिए ये मंच हमने जनता को सीधे तौर पर दिया है कि ताकि आप हमें फोन करें, आप हमसे जुड़े, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपकी शिकायत है, आप हमारे सामने रखें ताकि सीधे तौर पर सवाल आपके प्रतिनिधियों से पूछा जा सके। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए
खास मकसद हमारा यही है कि जो भी परेशानी लोगों की है, आम जनता, क्योंकि देखिए मतदान वही करने पहुंचते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सुनी उन्हीं की जानी चाहिए। इसीलिए कल फिर दोबारा से किसी और विधानसभा के साथ मिलेंगे, कुछ और लोगों के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।